कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां ये पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज, 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम एनएचपीसी एनटीपीसी एनएलसी, नेशनल गैस पाइपलाइन 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन, किसको जा रहा है आप जानते हो, पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड एचसीएल की पाइपलाइन, टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के टावर्स, वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 करोड़ 25 एयरपोर्ट्स, किसको जा रहा है आपको मालूम, पोर्ट्स
13,000 crore, 31 projects, 9 ports, किसको जा रहा है आपको मालूम। स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाई और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं, नहीं वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है, ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है हमारा, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था, इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि यह हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं, सारे के सारे। मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा, और जो देश के युवा हैं आप इसको अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा।